गुड फ्रेंड्स, लल्लू मंत्रा के वी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको नरसिंह माता मंदिर जो कि झालावाड़ रोड से कोटा से 25 किलोमीटर दूर है, आज हम आपको विजिट कराने आए हैं। आइए। ये मंदिर 400 वर्ष पुराना है और यहाँ की मान्यता कितने दिन आधार है? काफ़ी टाइम हो गया और आप कपड़े में हमारे दादा इनके दादा परदादा सब न्याय भी सेवा देते आ रहे हैं मंदिर में 20 साल से। तो मैंने दो के लिए और ये हमारे श्रद्धालु जी हैं जो 20 साल से यहाँ तो हो चुके हैं, उनको ये भी काफ़ी यहाँ आ चुके हैं यहाँ पे, इसको मतलब इसकी मान्यता काफ़ी ज़्यादा दूर तक फैली हुई है मान्यता इसकी। और देखिए आप दरी पूजा कर रहे हो आप यहाँ पर नरसिंह जी माता और एक काली का माता, ये यहाँ पे नरसिंह जी का नरसिंह जी माता जी और काली माता दोनों मंदिर एक ही स्थान में यहाँ पे विराजमान है। और आप देखिए यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग काफ़ी श्रद्धा से मन रख के यहाँ पे आते हैं। और अभी हाल में जो थोड़ा लॉकडाउन मिनी लॉकडाउन में कन्वर्ट हुआ है तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे अपने श्रद्धा से होते हुए मंदिर पे ढोक देने आते हैं। अच्छा ये बताइए जो नवरात्रों में उत्सवी का प्रोग्राम होता है, नवरात्रों में सब होता है माता जी का दुर्गा पाठ का। यहाँ पे नवरात्र में दुर्गा माता जी का पाठ होता है, कभी भव्य मेला भी होता है यहाँ पे, धार्मिक कार्यक्रम हवन से धार्मिक कार्यक्रम है, हवन है इत्यादि यहाँ पे होते आए कई साल से होते आए हैं। इसमें जो इधर बाई तरफ जो है कौन सी माता जी ये काली माता का इधर है, इधर नरसिंह माता जी का देखो आप। ये देखिए ये जोत जल रही है, ये अखंड दो दीप जलती है, ये जो कि पुजारी जी बताएंगे आपको। पुजारी जी एक इधर आ रहा है, ये 24 घंटे दीप जली रहती है। आप देखो आप ये इस तरह का पटरी मंदिर बनाए जब से ये मंदिर बना है तभी से ये दीप प्रज्वलित है अभी तक। आप देखें कितनी बड़ी चमत्कारी बात है ये तो आपके लिए लल्लू मंत्रा में बी ब्लॉग में इससे अच्छा दर्शन क्या मिलेगा आपको। और हमारे जो डायरेक्टर सर हैं योगेंद्र सर, उनके निर्देशन में सब कुछ हो रहा है, तो आप उनके चैनल को और लल्लू मंत्रा बी ब्लॉग को आप जरूर देखें, आपको जरूर फायदा होगा आशा है। इसके साथ मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। फ्रेंड्स आज हमने आपको विजिट कराया नरसिंह माता और काली माता का एक भव्य मंदिर जो कि अलिया डैम के साइड में स्थित है, झालावाड़ रोड पे कोटा से 20 से 25 किलोमीटर दूर पे आपको ये मिल जाएगा मंदिर आपको। और इस मंदिर में आपको आज हमने थोड़ा विजिट कराया, ये कितना पुराना मंदिर है, ये पुजारी जी हैं और इनके दादा परदादा से लेके आज तक यहाँ पर सेवा देते आए हैं। ये दीप प्रज्वलन कब से, ये देखो आप
ये दीप प्रज्वलन हो रहा है, तब से लेके आज तक जली आ रही है, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि दीपक को दोबारा जलाया गया। और विजिट किया, और हमारा एक चैनल अवेल ऑनलाइन है जो कि आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, उसमें भी हम आपको जल्दी सेवा चैनल दोबारा फिर से विजिट कराएंगे आपको। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके साथ जुड़े रहें और आपको हमारे साथ नई नई खबरें और नए नए जो विजिट और जो नए नए भव्य दृश्य हैं आपको मिलते रहें। कहाँ निवास करते हैं? इसी गांव में। ये अलनिया गांव में ही निवास करते हैं? अलनिया गांव में निवास करते हैं, यहीं रहते हैं। कन्हैयालाल सुमन नाम है आपका? आपके पिताजी का नाम क्या था? राम निवास। राम निवास सुमन जी। और ये उनके पिताजी का नाम? दादाजी का ये रूपचंद जी नाम। रूपचंद जी दो साल हो गए उनको। ये मंदिर आपको बहुत बड़ी लाभप्रद जिंदगी में जीवन अपन करने के लिए है। पहले तो दादाजी के पिताजी करते थे, फिर उनके बाद में फिर दादाजी करते हैं, जिससे कर ही नहीं है उनका, इसकी कर पाए ज्यादा कर रहे हैं। और यहाँ पर सब ज़्यादा भीड़ कब रहती है? कौन से दिन? नवरात्र में काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है और संडे को भी रहती है। ऐसे तो लॉकडाउन की वजह से कम भीड़ कर रही है। धार्मिक स्थल का ज़्यादा ओपन नहीं होना भी गवर्नमेंट ने तय नहीं किया है। जैसे ही जुलाई के अंदर जुलाई 2021 में जैसे ही धार्मिक आयोजन धार्मिक स्थलों को खोला जाएगा तो आप देखना कि इस मंदिर में काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु आएंगे। आप खुद ना विजिट करें, आए पधारें, हमारी भी हार्दिक इच्छा है आपसे। और पूरे तन मन के साथ में काली माता और भैरव नरसिंह जी माता जी का आप दर्शन करें। जब भी आप कोटा आएँ तो कोटा स्टेशन से या फिर कोटा बस स्टैंड से ये कम से कम 25-26 किलोमीटर पड़ता है झालावाड़ रोड का। आप एक बार जरूर पधारे, जब भी आपका मन कोटा एक बार आओ तो इस मंदिर में जरूर पधारने की कृपा करें। आपको कन्हैयालाल की पुजारी भी नहीं मिलेंगे आपको, इनका बिल्कुल आत्मसम्मान रहेगा आपका, तो आप जरूर पधारें इसमें।